SC ST कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्यों हो रहा है विरोध? हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कानून के तहत एक टिप्पणी की है, जिसमें एक बार फिर SC ST समुदाय विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST का हर अपमान SC ST कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। SC ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के ऊपर की गई टिप्पणी के खिलाफ देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का फैसला सुनाने वाली 7 जजों की बेंच को भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। SC ST आरक्षण पर हुई टिप्पणी पर जनता का विरोध शांत भी नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कानून पर एक और टिप्पणी की है, जिसे लोग SC ST के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हर अपमान SC ST कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। बेंच ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तब लागू होगा जब पीड़ित को जानबूझकर इसलिए अपमानित किया गया हो क्योंकि वह SC ST समुदाय का सदस्य है। मालूम हो कि बीते 23 अगस्त को YouTube चैनल मरुनादन मलयाली के संपादक और प्रकाशक साजन साकरिया को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत केरल के विधायक PV श्रीनिजन के खिलाफ अपमानजनक वीडियो अपलोड करने के अपराध में मामला दर्ज किया गया था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ किए गए सभी अपमान और धमकाने वाली टिप्पणियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं होंगे। बताते चले कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कानून के तहत इस तरह का फैसला सुनाया है। याद कीजिए 2 अप्रैल 2018 दिन जब देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था। भारत बंद का कारण सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी न करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इस एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में तत्काल गिरफ्तारी को अमान्य किया गया था और कहा गया था कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर देश भर के SC और ST संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। हालांकि भारी विरोध के बाद इस कानून को पहले की तरह ही रखा गया। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।